बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौनमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन की जानेला के हर हफ्ता हम रौनमन नवा नवा और बेस बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम रौनमन नवा और बेस जानकारी लेके आए बाकी जानकारी लेवे कर आगे चलू हम देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। समेकित कृषि प्रणाली का विकास कर रहा है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। तेलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन होता है लाभकारी। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इस मिशन के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो समेकित कृषि अपनाने के योग्य हैं, उनका चयन कर उन्हें समेकित कृषि प्रणाली के लाभों के विषयों में जानकारी दी जाती है, साथ ही प्रशिक्षित कर आवश्यक कृषि उपादानों के लिए सहयोग भी दिया जाता है। मधुमक्खी पालन खेतीबाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा परागण की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तेलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। एक हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। ठंड के मौसम में पशुपालकों को अपने पाले हुए पशुओं के आवास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे आवास गीला ना हो, ज्यादा हवा आवास में नहीं आए, साथ ही पशुओं को दिन में धूप में रखना चाहिए, साथ ही आवास में अलाव इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पशु ठंड से बच सके। इस प्रकार आवास का प्रबंधन कर पशुओं को ठंड और उससे होने वाले बीमारियों से बचा सकते हैं। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनी नगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें परंतु कोरोना बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और साफ सफाई का ख्याल रखें, टीके के सभी डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार जोहार। किसान भाई बहन मन,
कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के, हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रोरमन के जानकारी देवत ही। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रोरमन के फिर से स्वागत है। तो चलो आज की जो जानकारी है वो जानकारी खास है, वो जानकारी है कि सब्जी फसल में जैविक खाद कर फायदा कर बारे में है ना। जो किसान भाई बहन मन सब्जी कर फसल करें ना, उमन के जैविक खाद कर बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलो इकर में बेसी समय ना लेते हुए रोरमन के सीधे में लेकर चला थी फीचर के माध्यम से इकर जानकारी दिवा थी। जैविक खेती पुरानी विधि से की जाने वाली खेती है जो जमीन की प्राकृतिक क्षमता बनाए रखती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से पर्यावरण शुद्ध बना रहता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और कम लागत में गुणवत्तापूर्ण पैदावार होती है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और नई नई विधियों का इस्तेमाल कर हमारे किसान भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं।
इन्हीं में से एक प्रमुख विधि है जैविक विधि, जिसका इस्तेमाल कर हमारे किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में, और आज हम बातचीत करेंगे सब्जी फसलों की जैविक तरह से खेती करने के फायदे के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर बीके झा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैविक खेती किस प्रकार से किया जाए, क्या है सर ये जैविक विधि से खेती करना? किसान भाइयों, खास करके जैविक खेती की आज के समय में बहुत ज़्यादा इसकी उपयोगिता भी हो रही है और हमारी सरकार भी इसे काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। एक्चुअली जैविक कृषि वह कृषि की प्रक्रिया होती है किसान भाइयों, जिसमें कि हम अपने खेतों में फसल के समय किसी भी प्रकार का हम रासायनिक ना खादों का इस्तेमाल करते हैं, ना ही रासायनिक हम कोई कीटनाशी दवाओं का, चाहे फफूंदनाशी का या कोई भी खरपतवार नाशी का, हम किसी भी फसल में हम इसका उपयोग ना करके हम जैविक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैविक आपकी खाद हो गई या हरी खाद हो गई या जैविक फफूंदनाशी हो गई या जैविक जो है वो कीटनाशी हो गई, तो जो भी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा जैविक स्रोत से होता है, तो इसलिए इसको हम जैविक कृषि करते हैं। और जैविक कृषि में खास करके किसान भाइयों, इसमें फ़ायदे ये होते हैं कि इसमें क्या है कि आपका जो जैविक कृषि में क्या होती है कि इसमें आपकी एक तो लागत कम लगती है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ती है और टिकाऊ कृषि के प्रति जाती, ताकि वर्षों तक इसकी जो उपजाऊ क्षमता है बनी रहती है, और इसकी जो भौतिक संरचना भी होती है और इसमें जो पोषक तत्व की जो मात्रा होती है, चूँकि हम जैविक स्रोत से जो डालते हैं तो इससे क्या होती है कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बने रहने से कारण क्या होता है कि आपकी जो उपज होती है वो निरंतर जो है बढ़ती जाती है। और जैविक कृषि का सबसे बड़ा क्या होता है कि आप जो उत्पाद तैयार होती है फसल उत्पाद, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, उसमें पौष्टिकता ज्यादा अच्छी होती है, उसमें स्वाद अच्छे होते हैं, इसकी बाजार भाव ज्यादा होते हैं। जहां तक सब्जियों की जैविक खेती करने से लाभ की बात है, इससे मिट्टी में कीटनाशक और रासायनिक अवशेषों को कम करने में मदद मिलती है। पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले उत्पादों की तुलना में अधिक पोषण मूल्य होता है, स्वाद गैर कार्बनिक भोजन से बेहतर होता है, पशु कल्याण को जैविक खेती से बढ़ावा मिलता है, प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार होता है। झारखंड में ऐसी भी जो हमारी पठारीनुमा क्षेत्र है, तो इसमें क्या है किसान, एज ए हम कहते हैं कि डिफॉल्ट हमारी जैविक कृषि ही हो रही है, और इसमें अपार संभावनाएं हैं, ताकि इसमें स्वयं सहायता समूह बना करके या FPO बना करके इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर किसान जैविक कृषि से जुड़ते हैं तो उनकी जो उत्पाद आएगी तो उनका उत्पाद का बाजार भाव भी अधिक मिलेगा, और अधिक मात्रा में एक समूह में आने में क्या होगी, इनको बेचने में भी जो है समस्याएं जो आती है वो नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या, आज के समय में जो हमारे ग्राहक भी हैं वो इतने जागरूक हो गए हैं कि अगर हमें कोई रसायन मुक्त अगर हमें उत्पाद मिल रहा होता है तो उसकी वो बाजार भाव में अधिक दाम पे भी खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से किसान जैविक खेती में जो हमारी झारखंड की हैं अपार संभावनाएं हैं, और इसमें सरकार काफ़ी प्रोत्साहन भी दे रही है, चाहे वो प्राकृतिक कृषि के रूप में जिसको हम नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, या फिर हम उसी जैविक कृषि की तकनीक में जैसे गौ फार्मिंग है या हमारी होमा फार्मिंग है, ये सब जैविक कृषि के ही विभिन्न प्रकार हैं। और इसकी मूल मंत्र यही होती है कि इसमें हम सिर्फ जैविक चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया इसमें जैविक स्रोत में जैसे जैविक खाद के रूप में हम सब जैसे कि सरीवी गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, या जैसे हम केचुआ खाद को हम करते हैं, या हम हरी खाद के रूप में जैसे हमारे ढैचा हैं या ग्लेसरेडिया है, तो इसको हम खेतों में बीज का छिड़काव करके और जब ये 30 से 40 दिन की जब मुलायम रहती है तभी हम इसको ट्रैक्टर से या हम इसको जोत देते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि वो हमारी हरी खाद के रूप में मिल जाती है। सब्जियों की जैविक खेती से उत्पादित सब्जी से युवा पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण भी तैयार होता है। जैविक खेती के कुछ खास बिंदु हैं जिनमें जैविक परिवर्तन, जैविक कृषि प्रबंधन और प्रमाणीकरण खास हैं। जैविक की बात करते हैं, जैसे हमारी सरीवी गोबर की खाद जो हम अपने खेतों में डालते हैं किसान भाइयों, तो जैसे हम उसमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रिक्वायरमेंट संस्तुति होती है, तो आप यह जाने कि जैसे एक टन अगर हम गोबर की खाद डाल रहे हैं, इसमें कम से कम 5 से 8 किलोग्राम जो नाइट्रोजन मिल जाते हैं, 2 से
3 किलो के आसपास फॉस्फोरस मिल जाते हैं और 3 से 5 किलो हमारी पोटाश मिल जाती है। तो इसी तरीके से देखें, अगर हम जैसे करंसी खली या नीम की खली या मूंगफली खली डालते हैं तो उसमें भी हमारी एनपीके की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है, जो कि हम जैसे कहते हैं कि इसमें 30 से 50 kg के आसपास नाइट्रोजन मिल जाती है, फॉस्फोरस 8 से 12 किलो मिल जाती है, पोटाश 10 से 15 मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि अगर आप जैविक स्रोत से अगर आप अपनी मिट्टी में उपजाल रहे हैं तो इसमें बहुत से हमारे जैसे कि प्राकृतिक कृषि में भी हम करते हैं जिसमें हम घन जीवामृत या जीवामृत डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम मिट्टी में हम माइक्रोब्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे क्या होती है जो मिट्टी में जो हमारी अघुलनशील फॉर्म में जो हमारी जैसे कि फॉस्फोरस रहती है या नाइट्रोजन रहती है तो उसको भी यह उपलब्ध कराता है पौधों को पोषक तत्व के रूप में। तो इसलिए जैविक कृषि क्या है आज के समय में बहुत अच्छी, ये टिकाऊ कृषि के लिए और अच्छे मुनाफे के लिए बहुत अच्छी है। सब्जियों की जैविक खेती में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप भी सब्जियों की जैविक खेती करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही फसल चक्रों का चुनाव, सब्जियों की खेती में कीट व्याधियों के नियंत्रण का ज्ञान और इसके रखरखाव की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। से कीट के नियंत्रण से एक तो हमारे पास फेरोमोन ट्रैप भी आता है या हमारी लाइट ट्रैप भी आती है, तो उससे भी हम उसको बिना किसी छिड़काव के, दवा के छिड़काव के हम नियंत्रण करते हैं। जैसे मैंने कहा नीम से, जैसे प्रति के जैसे नीम की बीज आती है तो नीम के बीज को आप इसको 3 लीटर पानी में घोल बना करके उसका जो अवशेष होता है उसको लेकर के और प्रति लीटर को 6 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे करें तो इससे हमारी बहुत सी जो कीटें जो चूसने वाली होती हैं वो नियंत्रण हो जाती है। या फिर जैसे ट्राइकोग्रामा होता है तो ट्राइकोग्रामा जैसे 8 से 10 उसके जो ये होते हैं वो आप प्रति हेक्टेयर करें तो उसमें क्या होता है यह परिजीवी होती हैं, ये दूसरे जो हमारे हानिकारक कीड़े होते हैं उसके अंडों को ये खा जाती है जिससे क्या हो रहा है हमारा फसल जो है बच जाता है। तो इस तरह से बहुत सी हमारी जैविक विधियां हैं जिसकी वजह से हम लोग सब जैसे कि इसमें मैंने कहा ब्रह्मास्त्र हो या फिर हमारा ये अग्न्यास्त्र है, ये सब विभिन्न हमारे तरह के जैविक हैं जिसको जैविक स्रोत से और किसानों के पास ये उपलब्ध रहते हैं तो इससे आप करके तो इसमें क्या होता है कि जैविक कृषि में आपके पास पोषक तत्व के रूप में जैविक स्रोत हैं, आपके कीटनाशक हैं या जैसे हम खरपतवार को नियंत्रण करना होता है तो उसमें हम फसल अवशेष का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें हमारी नमी भी बनी रहती है। तो जैविक कृषि की पूरी संभावनाएं हैं और यह किसान के लिए बहुत सरल तरीका से भी आप अपने पास जो उपलब्ध आपके संसाधन हैं तो उससे जैविक कृषि आप करें जिससे कि आपकी लागत भी कम आएगी और जैसे मैंने कहा कि उसकी उत्पाद की बाजार भाव भी बहुत अधिक रहते हैं तो इससे आपको किसान आपको आमदनी दुगना करने में बहुत सहायक साबित होगी। तो देखो कैसे लगला जानकारी, बेस जानकारी है ने? तो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है कि गर्भवती सुकरी मन कर देखभाल कैसे करल जाए, उमन कर रख रखाव कैसे करल जाए इकर बारे में। तो जे किसान भाई बहन मन सुकर पालन करें ना उमन के जानना बहुत जरूरी है कि गर्भवती सुकरी मन जो होवेला ओके रख रखाव ओकर देखभाल कैसे करल जाए। तो ये जानकारी अगर चाहिए तो हमारे के जो डॉक्टर साहब हैं उनकरे से जानकारी लेवा थी है नहीं। तो किसान भाई बहन मन कर से रौरे मन कर सुकरी कर रख रखाव और देखभाल कर अच्छा जानकारी मिली। तो चलू रौरे में के हम अपन जो डॉक्टर साहब हैं उनकरे से भेंट करवा थी। आज हम दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी में हैं और हमारे साथ है यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्भवती सुकरियों की देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हमारे किसान भाइयों के लिए है कि गर्भवती सुकरियाँ जब होती है तो उस अवस्था में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जी हाँ किसान भाइयों, सुकर पालन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि आप गर्भवती सुकरियों की किस तरह से देखभाल कर रहे हैं और जितनी अच्छी तरह से आप गर्भवती सुकरियों की देखभाल करेंगे उससे आने वाली जो अगली पीढ़ी होती है उतनी अच्छी होती है और किसानों के लिए उतना ही लाभदायक होता है। तो किसान भाइयों, जो अभी ठंड का मौसम चल रहा है इस मौसम में ऐसे ही गर्भवती सुकरियों को थोड़ा देखभाल करने की ज़्यादा आवश्यकता होती ही है। और आप देखे होंगे सामान्य तौर पे जो सुकरियाँ होती हैं ये उम्र के 8-9 महीने के बाद पाल खाने लायक हो जाती हैं और 8-9 महीने के आसपास में वो गर्भवती हो जाती हैं। या दूसरी सुकरियाँ जो बच्चा देती हैं वो बच्चा देने के 30 से 35 दिनों के बाद पुनः पाल खा के फिर से पुनः गर्भवती हो जाती हैं। तो पूरे गर्भकाल के दौरान आपको गर्भवती सुकरियों को संतुलित आहार देना ही है, साथ साथ उसके जो आवास प्रबंधन है उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे अधिक जो देखभाल होती है ये
सुकरों की अंतिम अवस्था जो होता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सुकरों का गर्भकाल 110 से 120 दिनों का होता है, तो किसान भाइयों अधिकतर सुकरियां 115 दिनों के आसपास में बच्चे दे देती हैं। तो उन दिनों के उस महीने में आप जो अंतिम महीना है उस महीने में आपको विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं गर्भकाल के समय सुकरियों का जो शरीर वजन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। शुरुआत में एक अंतिम शुरुआत से लेकर अगर अंतिम तक देखें तो अंतिम तक आते आते सुकरियों का लगभग वजन दोगुना तक होने लगता है। किसी किसी जो संकर नस्ल की सुकरियाँ होती हैं वो तो कहीं कहीं दोगुना तक हो जाती हैं, और देसी नस्लों के सुकरियों में भी काफ़ी शरीर वजन पर काफ़ी अधिक बढ़ोतरी देखी जाती है। तो किसान भाइयों जो संकर नस्ल की सुकरियाँ हैं उन सबों में जो प्रतिदिन आहार की जरूरत होती है शुरू से अगर अंतिम तक कहें तो 2 से 3 किलो तक के बीच में मात्रा रखनी चाहिए। ये संतुलित आहार आप जरूर दें, इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी पड़ता है, और जो नवजात बछड़े हैं माने जो छौने होंगे उन सबों का जो शरीर वजन होता है ये आपके पूरा पूरा निर्भर करता है कि आप पूरे गर्भकाल के दौरान आहार का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने संतुलित आहार की बात की, संतुलित आहार क्या है और किस प्रकार से सुकरियों को दी जा सकती है? किसान भाइयों संतुलित आहार का मतलब होता है कि उस तरह का आहार जो हम सुकरियों को दिन भर के लिए देते हैं उस आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित अनुपात में मौजूद हों, तो उस तरह के आहार को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। जैसे पोषक तत्वों में अगर बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा की मात्रा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, नमक, इस तरह के चीज़ों का उचित मिश्रण रहे, उचित अनुपात में मिश्रण रहे, तो उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। रही आहार के अलावे किसान भाइयों जो हम अंतिम महीना की बात कर रहे थे, जो सुकरियां आपकी गर्भवती हैं उनको कम से कम गर्भकाल पूरा होने के 15 से 20 दिन पहले आप जो ब्याद बाड़े बना रखे हैं वहां पर निश्चित तौर पे उनको शिफ्ट कर दें, और ब्याद बाड़े में सुकरियों को शिफ्ट करने से पहले वहां पर आप जब ले जा रहे हैं तो उससे पहले जो बाड़ा ब्याद बाड़ा बना हुआ है आपका उसको अच्छी तरह से विसंक्रमित कर दें। अगर बहुत दिनों से पुराना पड़ा हुआ है तो उसकी अच्छी तरह से लिपाई पोताई भी कर सकते हैं। फर्श अगर आपका पक्का नहीं बना हुआ है तो वहाँ पर मिट्टी का एक लीप कर सकते हैं, ऊपर से गोबर वगैरह का भी लेप देके पूरी बाड़े को विसंक्रमित कर दें। इसके अलावा जो सुकरियाँ वहाँ पे आप गर्भवती सुकरियों को जो बाड़े में आप शिफ्ट कर रहे हैं जो है वहाँ पे उनको भी आप एक तरह से पूरे शरीर का उसका अच्छी तरह से धो लें, उसको भी आप जो उचित कीटनाशक दवाएँ जैसे आप अमितराज या सेप्रोमाइसिन बुटॉक्स, टिकटैक, इस तरह से बहुत सारे दवाएँ आते हैं उनका 2 से 3 ml प्रति लीटर घोल बना के पूरा शरीर को अच्छी तरह से ब्रश से रगड़ कर साफ कर लें। विशेष करके जहाँ पे छीमियाँ होती हैं माने पेट के आसपास का नीचे वाला जो स्तर होता है उन सबों के पास में जरूर साफ कर लें, जैसे कि किसी तरह का जो परजीवी होते हैं बाहरी परजीवी हैं वो न रहें और गर्भवती सुकरियों को ज़्यादा परेशानी न हो। इसके साथ किया जाए जिस बाड़े में आप रखना चाहते हैं वहाँ पे भी कुछ पहले से व्यवस्था अवश्य करने की आवश्यकता होती है ताकि जो गर्भवतियाँ बच्चे दें उस समय उनको कोई परेशानी न हो। फर्श आप अगर पक्का रखे हुए हैं तो कुछ बिछावन सामग्रियों का पहले से व्यवस्था जरूर कर लें। बिछावन सामग्रियाँ ऐसा रहे जो नर्म रहे, नमी को सोख सके, साथ साथ शरीर में नवजात बछौनों के भी और जो गर्भवती सुकरियाँ हैं उनके भी किसी शरीर में गड़ के किसी प्रकार का घाव न करें, कोई नुकीला कांटी वगैरह ना रहे, कोई कड़ा पत्थर वगैरह ना रहे, कांच के टुकड़े ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखें आप। इसके साथ चार भाइयों एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर आप प्रसूति गृह में जिसको हम ब्याद बाड़ा कह रहे हैं उसके आसपास अगर आप उस बाड़े में अगर आप गार्ड रेल की व्यवस्था न कर पाए हैं परमानेंटली, अगर आप पहले लोहे की जो दीवार से सटे हुए एक गार्ड रेल बनाते हैं अगर गार्ड रेल की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं तो उसको आप टेम्प्रेरी भी बांस के जो गोटे बांस रहना चाहिए उसमें कोई चीरा हुआ बांस नहीं रहना चाहिए, गोटा बांस का भी बांध के आप टेम्प्रेरी उसकी गार्ड रेल की व्यवस्था कर सकते हैं जो कि आपको ब्याद के समय काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ अभी ठंड का मौसम चल रहा है, सबसे ज़्यादा नवजात बछड़ों में मृत्यु दर होने की संभावना रहती है, तो उन सबों से भी बचने के लिए कृत्रिम ऊष्मा का भी प्रबंधन आप अवश्य कर लें। इसके लिए आपके पास जो भी उचित संसाधन हो, चाहे आप हीटर कर लें या चूल्हे का व्यवस्था कर लें या गैस हीटर का कर लें या फिर आप इंफ्रारेड लाइट वगैरह का भी आजकल व्यवस्था होता है तो उस तरह के चीज़ों का भी करें। कहने का मेरा मतलब है कि वहाँ पे जो बाड़ा है, ब्याद बाड़ा है, जो प्रसूति गृह है वहाँ पर उचित तापमान रहे, जो कमरे का तापमान 20 से 25 डिग्री आसपास में अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि इस अवस्था में उनके लिए कुछ मतलब दवा वगैरह दी जा सकती है? या किसान भाइयों ऐसे तो आप सुकरों में प्रसूति के समय में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, और आप हम सभी जानते हैं कि अधिकतर जो सुकरियाँ होती हैं रात में ही बच्चा देना पसंद करती हैं, तो रात के
बच्चे देने के समय में आपको लाइट वगैरह की उचित व्यवस्था तो रहनी ही चाहिए, साथ में एक कुशल व्यक्ति जो इस तरह के थोड़ा अनुभवी होता है उसको भी रहने की ज़रूरत पड़ती है। दवा की जहाँ तक बात होती है कि आप किसी कुशल पशु चिकित्सक से अगर दिन में सुखड़ियों से दिन में बच्चा लेना चाहते हैं तो उनकी सलाह से एक PGF2 अगर दवा चलता है उसका 2 ml प्रति सुखड़ी का प्रयोग करके हम उसको दिन में भी बच्चे ले सकते हैं, पर ये आपकी टोटली किसी पशु चिकित्सक के सलाह से ही करनी चाहिए। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।